हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन फ्यूचर डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। जी हाँ, मैं आयशा आप सबका स्वागत करती हूँ फ्यूचर डिफेंस एकेडमी यानी FDA के यूट्यूब चैनल पे। सर, हम लोगों ने और अब इसके साथ में पहला सवाल जो अक्सर हम लोगों से पूछा जाता है कि RIMC के बारे में। जी हाँ, मैं इंट्रोडक्शन देने जा रही हूँ जिसमें वो कॉमन से सवाल जो अक्सर बच्चे क्या है RIMC, किस तरीके से क्या करें, जो हम लेकर आए सब सकते हैं व्हाट इज RIMC की RIMC है क्या। वो है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज जो के नाम से, जिसे प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज कहा था। एक मिलिट्री स्कूल है जो लड़के और लड़कियों के लिए है, जो कि दून यानी वैली के अंदर है, इंडिया के अंदर मौजूद है। RIMC जो फीडर इंस्टीट्यूशन फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये NDA कहा जाता है, जहां पर आपको करवाता है, जो उस माहौल में आपको तैयार करता है इंडियन एकेडमी के लिए और सब्सिक्वेंटली इंडियन आर्म फोर्सेस यानी कि तीन उसके लिए जो रास्ता है NDA, उसका एक बिल कौन प्रोवाइड करता है, RIMC प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अक्सर जो होता है वो है हु कैन अप्लाई इन RIMC पे, RIMC सकता है। तो जो कैंडिडेट्स होते हैं वो होने नहीं चाहिए कितना, 7 से लेकर 10 साल के बीच में होना चाहिए, जनवरी और जुलाई तक का ले लीजिए। क्लास 7 इसमें जो होता है पास आउट होना चाहिए, 7 से रनिंग होना चाहिए जब उसका एडमिशन हो, एक क्लास के लिए एडमिशन होता है, यानी कि एंट्रेंस जो होता है जैसा कि हम इससे पहले अपने वीडियो में बता चुके हैं, एक क्लास के लिए इसमें एंट्रेंस लिया जाता है। जो कैंडिडेट होता है मस्ट बी पास क्लास 7 फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड स्कूल एट द टाइम जॉइनिंग। अब इसमें अप्लाई करने के लिए कई बार हम ये सोच कर सकते हैं, डिफेंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, एक्स डिफेंस पर्सन्स के भी जो बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, यानी ये जो दरबार है ये सबके लिए खुला हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्मी पर्सन्स के बच्चे नहीं, कई बार कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर RIMC के बारे में बहुत लेट पता लगता है, तो उनको मैं बता दूं कि ये RIMC का एग्जाम यानी इस एग्जाम में सिविलियंस के बच्चे भी उतना ही हक रखते हैं बैठने का जितना कि बाकी कैटेगरी के लोगों के लिए है। अब बात आती है नेक्स्ट कि हम अप्लाई कैसे करें। अप्लाई करने का बहुत ही सिंपल सा फंडा है, ज्यादा नहीं है, इसमें हमने बहुत बड़ा चढ़ा के लिख दिया लेकिन सारी चीजें हमने बता दी हैं कि जो प्रोस्पेक्टस का एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसमें एक बुकलेट भी आती है जिसमें पुराने साल के साथ सारे क्वेश्चन पेपर्स होते हैं जो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून से आपको भेजा जाता है। ये स्पीड पोस्ट के जरिए आपके पास पहुंचता है, जिसके लिए आपको 600 रुपए ऑनलाइन आपको क्या करना होता है, ट्रांजेक्शन करना होता है। जी हाँ, ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे, RIMC के ऑनलाइन पोर्टल पे जाएंगे आप, वहां पर ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऊपर आपके पास में एक स्लॉट आता जाएगा, क्लिक करिए, क्लिक करते ही आप उस पर क्या कर देंगे एप्लीकेशन, और उस एप्लीकेशन में आप कौन से सेमेस्टर के लिए यानी जून के लिए करना चाहते हैं, दिसंबर के लिए करना चाहते हैं, ईच एंड एवरीथिंग उसमें सारी चीजें होती है, आपका नाम आपकी सारी चीजें करेक्ट आप उसमें फिल करके आप उस ऑफलाइन ऑनलाइन देंगे फॉर्म को फिल कर देंगे, उसके बाद आपके पास में ये सारी चीजें आ जाएंगी और देन उसके बाद आपके पास जब प्रोस्पेक्टस प्लस में एप्लीकेशन फॉर्म और वो बुकलेट आती है तो आपको खुद क्या करना होता है, उस फॉर्म को फिल करना होता है। आगे चलते हैं, स्पेशल क्या है भाई आखिरकार RIMC का सैनिक, RMS और नवोदय से। देखिए, अगर हम वैसे बात करें तो हर एग्जाम अपनी जगह पर, हमारे हर कॉम्पिटिशन लेवल अपनी जगह पर इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन फिर भी अगर हम बात करते हैं हाईएस्ट लेवल तक के एग्जाम की तो वो है RIMC ऑल ओवर इंडिया के अंदर। इसे वैसे टफ कहा जा सकता है क्योंकि हर स्टेट के अंदर एक सीट मिलती है, दूसरा ऑल ओवर इंडिया के कॉम्पिटेटिव लेवल पर होता है, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो कॉम्पिटिशन का लेवल वैसे बहुत स्लो है। कैसे, आप सोच के देखिए, एक सीट के लिए नेचुरल सी बात है पूरा राजस्थान, पूरा बंगाल या पूरा हिमाचल तो जाता नहीं है पेपर देने के लिए, उस साल के 7th रनिंग या पास आउट बच्चे ही क्या करते हैं एग्जाम देंगे, प्लस में जो 6th रनिंग है वो देता जरूर है, आधे बच्चे कुछ लोग तो जिसके पास तो वो लोग तो जस्ट ट्रायल के बेसिस पे होते हैं, लेकिन जिसके सिलेक्शन पर बच्चे होते हैं और जो राउंड होता है वो सिर्फ मात्र 15 बच्चे, वो भी बहुत कम चांसेस है, कई बार तो हर स्टेट से सोच के देखते हो कि क्या होता है, ये मान लीजिए ये अगर कंपटीशन की बात की जाए तो बहुत ही कम लोगों के साथ आपका कंपटीशन होता है, पॉपुलेशन के साथ आपका कंपटीशन नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में, तो नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी NDA में, जहां ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी जिसे कहा जाता है या इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज सर्व एज नर्सरी ऑफ लीडरशिप, जहां पर आपको
करता है। बॉयज की जो एज जहाँ पर 11.5 से लेकर जाता है ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम पब्लिक स्कूल्स बाय द कॉलेज, और जहाँ पर पब्लिक स्कूल्स के जरिए ये जो नेशनल डिफेंस एकेडमी का है वो फीडर, ये दोनों मिलकर आ रहे हैं इनसे के स्टूडेंट्स को स्ट्राइव्स टू सेंड एज मेनी बॉयज इन पॉसिबल, मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉयज को इन स्कूल्स में भेजने की कोशिश की जाती है कॉलेजेस में। एज अ रिजल्ट स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन द कैडेट्स होल कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन, हां इसका लेवल, इसका ट्रेनिंग लेवल ऑल इन एवरीथिंग बाकी, और हम लोग आरएमएस और नवोदय की बात करें एंड हाई लेवल और अच्छा क्या होता है पाया जाता है, तो इसीलिए स्पेशल है आरआईएमसी के बारे में। अब बात करते हैं एज क्राइटेरिया की, 11.5 से लेकर लगभग 13 साल के बीच में। अभी हम बात करें आरआईएमसी जून 2024 का जो भी पेपर होने वाला है उसका जो क्राइटेरिया था 2 जनवरी 2012 से लेकर 1 जुलाई 2000 डेट ऑफ बर्थ के बीच में आने वाले बच्चे अप्लाई ने, क्योंकि जून वाला तो निकल गया, अब हमारे हाथ में बचा है दिसंबर के लिए। आप कब अप्लाई कर सकते हो कि आपको 8th क्लास के लिए करना है, 11.5 से लेकर 13 साल होना चाहिए, या तो आप 7th पास आउट हो या रनिंग हो, और आपका जो एज क्राइटेरिया होना चाहिए वो होगा आपका 2 जुलाई से लेकर 2012 से लेकर 1/12/2013 तक। क्लियर है यहां तक? और अब जो हमारी 2023 में अभी दिसंबर में होने वाला है, क्योंकि और जून का तो ऑलरेडी जा चुका है, इसके लिए आपका जो क्राइटेरिया है वो है 2 जुलाई 2011 से लेकर 1 दिसंबर 2012 तक का। तो ये एज क्राइटेरिया आपको अब आप चेक कर लीजिएगा, जल्दी से देख लीजिए कि कौन इस एज क्राइटेरिया के बीच में आता है, वो आरआईएमसी का फॉर्म या इसके स्टार्टिंग वो आरआईएमसी के फॉर्म फिल कर सकता है 2023 दिसंबर के लिए, जून 2024 के लिए और 2024 दिसंबर के लिए। 2024 तो बहुत कोशिश कीजिए कि सबसे पहले आपके पास जैसे फॉर्म आए तो उसके साथ फोटोकॉपी कर लीजिए, हर डिटेल को 2-3 बार भर के देखिए, फिर श्योर है कि हाँ नहीं होने वाली है, तब आप उस फॉर्म को अच्छे से फिल करके स्टूडेंट को अपनी हैंडराइटिंग में ही उस फॉर्म को फिल करना है। बाकी चीजें उसके ऊपर कुछ उसमें रजिस्टर्ड ऑफिसर या फिर जो फर्स्ट टाइम जो कमीशन वाले होते हैं उनके साइन चाहिए होता है, स्कूल प्रिंसिपल का साइन चाहिए, लेटर चाहिए, वो सारी फॉर्म के अंदर पता लग जाएगा, डोमिसाइल वगैरह। व्हेन इज एग्जाम कंडक्टेड, तो देखिए हमारे यहाँ पर जो आरआईएमसी है ऑल ओवर इंडिया में जो आरआईएमसी है वो अपना जो एग्जाम है वो साल में दो सेमेस्टर में ये काम करता है, एक समर के लिए और एक विंटर, जहां पर इसका एक होता है आपका जून के लिए और एक होता है हमारा दिसंबर के लिए। तो जून एंड दिसंबर ये दो होते हैं हर साल के अंदर जहां पर आरआईएमसी अपने एग्जाम्स को एडमिशन लेता है। एग्जाम मोड क्या रहता है? तो ऑनलाइन पेपर, जी हाँ ये ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन पेपर नहीं आया था तो पेपर नहीं कंडक्ट करते। दूसरी चीज पेपर होता है जिसमें तीनों सब्जेक्ट्स के रिटन आपको देने होते हैं, होती है पूरे क्वेश्चंस को अटेंड करना होता है, पूरा एग्जाम सारी चीजें है कि जैसे इंग्लिश का 25 मार्क्स का, मैथमेटिक्स का पेपर 200 नंबर का, 75, यानी ओवरऑल हम बात करें तो टोटल 400 मार्क्स पेपर है। उसके बाद में अगर आप क्वालिफाइड देन यू हैव, अब बात करते हैं इसमें क्वालिफाइड के लिए आपको हर सब्जेक्ट, जी हाँ 50% आपके मैथ्स में आने चाहिए, 50% आपके 50% आपके किस में आने, यानी ओवरऑल अगर बात की जाए होने पर आप क्या करते हो क्वालिफाइड कर सकते हो, अगर आप पिछड़ गए तो आप रह जाएंगे। अब एग्जाम पेपर पैटर्न की बात करते हैं, भाई आरआईएमसी का आखिरकार एग्जाम टाइम क्या है, पेपर पैटर्न आरआईएमसी का जो खुद का बेसिक एक टाइम टेबल है, शेड्यूल है पेपर के लिए, वो ये है कि सबसे पहले वो मैथ्स का पेपर कंडक्ट करवाता है 9 से लेकर 11 बजे तक, यानी 1.5 घंटे का होता है, जिसमें 30 क्वेश्चन आते हैं और 200 नंबर का पेपर है। जीके की बात करें तो 12 से 1 जो होते हैं 75 क्वेश्चंस आएंगे और बच्चे ईच क्वेश्चन घंटे 1 मार्क्स। उसके बाद आता है इंग्लिश का पेपर, इंग्लिश के पेपर 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक का होता है, यानी एक्चुअल में फ्लक्चुएशन होता रहता है, कोई नंबर ऑफ क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी 22 आ जाते हैं, कभी 25 भी आ जाते हैं,
सॉरी नंबर ऑफ क्वेश्चन से हमें कोई मतलब नहीं है, उसमें पेपर सेटिंग ऐसा होता है कि टोटल उसमें पता चाहिए 120, कैलकुलेट कीजिए कि 125 मार्क्स का पेपर होना चाहिए। अब बात करते हैं कि टोटल मार्क्स हमारे 400 हो गए। मैथ दो आते हैं, ए एंड बी। ए में होते हैं 1 से लेकर 20 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 100 मार्क्स का ये हो गया। सेक्शन बी में 11 से लेकर 30 क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चन है तो लगा लीजिए इसमें 21 से लेकर अगर 30 है तो आप सोचिए 10 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन के अंदर क्या रहेगा, 10 नंबर, टोटल 200 मार्क्स का पेपर हो गया। जीके की बात करें तो क्राइटेरिया नहीं सेट किया किसके अंदर, लेकिन हाँ हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स करंट के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और थोड़ा सा जनरल साइंस। नंबर ऑफ क्वेश्चन का थोड़ा सा हमने अगर एस्टिमेट लगाए तो मैक्सिमम 20 से लेकर 25 के बीच में क्वेश्चन नंबर्स का, एंड अवर रेस्ट ऑफ द जो है जीके यानी एसएससी का पार्ट है और प्लस में करंट अफेयर्स आ जाते हैं। इस तरह से मिला के 55 या 50 का रेशियो कभी 75 क्वेश्चंस हो जाते हैं हमारे जीके के पेपर में। इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में 3 सेक्शंस आते हैं। सेक्शन ए आता है, क्वेश्चन 1 एंड 2 होता है जो 25 मार्क्स का 20 मार्क्स का ऐसे फ्लक्चुएट होता रहता है। सेक्शन बी होता है राइटिंग सेक्शन जो क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर तक हमारा राइटिंग सेक्शन है 5, 6, 7। अब उसके बाद आता है सेक्शन सी जो ग्रामर का डायरेक्ट डिडक्टिव पैसिव ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ ग्रामर का एंटोनिम्स सिनोनिम्स वोकैबुलरी पार्ट ईच एंड एवरीथिंग इसमें कंटेन होता है, जो हमारा होता है 70 मार्क्स का, यानी टोटल हमारा जो पेपर होता है वो 125 मार्क्स का होता है। तो ये हमने देखा एग्जाम टाइमिंग क्या होगा और हमारा एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। आगे चलते हैं, अक्सर बच्चे बुक्स पढ़नी चाहिए, कौन सी बुक्स पे हम प्रेफर करें, तो देखो वैसे आरआईएमसी के लिए कोई प्रेफरेबल बुक्स है, यानी कि अगर आप आरआईएमसी का खुद का भी देखना चाहिए बहुत रियल पीवाई सबसे अच्छी चीज है कि जो 7 इयर्स के पेपर आरआईएमसी खुद जो आपको होती है देता है वो सबसे साल के पेपर दोनों टोटल नंबर ऑफ हमारे 7 इयर्स में 14 पेपर हमारे सामने और उनमें हर एक में क्वेश्चन है उतना अच्छा हमारे लिए रहता है। दूसरी चीज क्या हो जाती है, दूसरा है एनसीईआरटी की थी हमको या हमारे मिस की बात करें या हम आरआईएमसी की बात करें, दे ऑलवेज फॉलो द सीबीएसई पैटर्न। तो सीबीएसई के अंदर एनसीईआरटी है, तो आप 6 से लेकर 10 तक का एनसीईआरटी का मटेरियल पढ़ लीजिए जीके के लिए सबसे बेस्ट है। और साथ साथ में करंट से अपडेट इसके अलावा छोटे मोटे जो आते रहते करंट्स के रिलेटेड जो बुक्स आती हैं थोड़े बहुत जो मैगजीन आते हैं उनसे भी आप अपडेट गो थ्रू होते रहिएगा। इसके अलावा मैथ्स हो गया, एसएससी करंट अफेयर्स में अगर हम बात करें तो स्पोर्ट्स है, पॉलिटिक्स और प्रैक्टिकल चीजें होती है वो भी इसमें पूछी जाती है। तो आपको इसके नाम पर ये चीजें आपको प्रेफर करनी है, ये आपके लेकिन आप इससे भी गो थ्रू हो जाएंगे तो मैक्सिमम 72 कंप्लीट हो जाता है, 20% आपको मेहनत करनी पड़ती है खुद के बेसिस पे कि और कहां से मैं कर सकता हूं और कौन से बुक्स हैं जिनको हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अब मान लीजिए पूछते हैं रिटन का एग्जाम हो गया मैम, अब क्या करना चाहिए नेक्स्ट, तो देखिए सबसे पहले जिन एग्जाम्स ने रिटन एग्जाम दे दिया है स्टूडेंट्स ने तो उनको देखना है कि मेरिट कब जाने वाला है या क्वालिफाई का जो क्राइटेरिया क्या, मैं उसको टच कर रहा हूं। अगर आपका पेपर अच्छा गया है और आप में मानते हैं आप क्वालिफाइड हो जाएंगे तो फिर आप कीजिए कि आपका क्वालिफाइड के लिए आ जाए। लेकिन इफ एंड बट छोटा सा भी डाउट है कि यार थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा हो सकता है या मैं जो एक्सपेक्टेशन चल रहा था वो पूरी नहीं हो पाई है, तो सीधा अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक कर। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ नेक्स्ट एग्जाम के लिए अगर जैसे अब जून का अब जैसे इसमें लगा कि भाई थोड़ा सा लगता है कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगा सिलेक्शन होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, तो अगर आपकी डीओबी में आती है कि वो किसको फॉलो कर सकती है दिसंबर एग्जाम को आप दे सकते हो तो क्योंकि आपके पास जुलाई में स्कूल खुलते हैं तो इतना प्रेशर का थोड़ा बहुत प्रेशर आएगा क्योंकि एग्जाम्स टाइम हो जाते हैं, फिर थोड़े से यूनिट एग्जाम्स होते हैं, हाफ ईयरलीज आ जाते हैं, क्योंकि फिर आपको नवंबर में स्विच करना होता है स्कूल की एग्जामिनेशन करके अक्टूबर नवंबर में आगे प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट। जैसे कि आप इसमें क्राइटेरिया हमने पहले ही बता दिया है दिसंबर के लिए ये है, जून के लिए, तो आप इसमें चेक करिए। अब सिलेक्शन हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन
क्या करना है? देखो, if one gets selected in RIMC, तो there can be two objectives of getting into. भाई आपके पास दो ऑब्जेक्टिव हैं RIMC जाने के. First is you want to join Indian Defence Forces. कि भाई पहला आप Indian Defence Forces join करना चाहते हो. That is no better place to go than to the GRMC. तो भाई आपके लिए best RIMC आपको selection क्यों क्यों करना चाहिए? दूसरा, even if you don't want to, you well, both mentally and physically, even if you don't want to get into defence, the grooming that is provided by RIMC is much better than. तो लेकिन सिलेक्शन होने के बाद नेक्स्ट होता है कि आरएमसी को सिलेक्शन के बाद आप वहां पर जाइए, वहां ग्रूमिंग कीजिए, उसको एनवायरनमेंट को देखिए, एनवायरनमेंट को पढ़ के देखिए. आरएमसी की लाइफ बिल्कुल मॉर्निंग टीम के डिसिप्लिन लाइफ होती है. लीडरशिप आपके खुद के चेंजेस महसूस करते हैं. अब बात करते हैं सिलेक्शन हो जाता है तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं. देखिए, एडमिशन आरएमसी में बाय एनुअल, क्योंकि दो साल है, साल में दो बार होता है. तो कैंडिडेट अप्लाई करते हैं एसटी या एससी कैटेगरी के अंदर, उन्हें अपने साथ में अपना कास्ट सर्टिफिकेट लाना होता है अलोंग विद अ डिमांड ड्राफ्ट. एक डिमांड ड्राफ्ट प्लस हिंदी का रिक्वेस्ट एप्लीकेशन फॉर्म वाला एडमिट कार्ड जो इशू किया गया था एटलीस्ट टू वीक्स बिफोर आता है, और प्लस में आपके पास आपके सारे डॉक्यूमेंट वो होना चाहिए, प्लस में आपका डोमिसाइल, सारी चीजें आपको उसके अंदर रखनी है. अब व्हाट इज द लाइफ इन आरएमसी, लेकिन अब आप एकेडमिक्स के साथ एक लीडरशिप वाली डिसिप्लिन लाइफ जी, यानी जहां मॉर्निंग इवनिंग नाइट का शेड्यूल आपका प्री डिसाइडेड होता है, आप बेटर अप्लीमेंट लेते हैं. देखिए, जो मिलिट्री ट्रेनिंग होती है आरएमसी के अंदर बहुत है एंड कॉम्प्रिहेंसिव भी है. कैडेट जो होते हैं उनको वेरियस मिलिट्री लाइफ से रिलेटेड हर चीज सिखाई जाती है. ड्रिलिंग सिखाया जाता है, वेपन की मैप रीडिंग सिखाया जाता है, फिजिकल फिटनेस हो गई, स्विमिंग है, जो नॉर्मली हम अपनी स्कूल लाइफ में नहीं कर पाते हैं, आपको आ रही है, हम के अंदर क्या करता है, प्रोवाइड करता है. तो ये आपकी एक अच्छी खासी डिसिप्लिन, लीडरशिप और टीम वर्क कर दिए जाते हैं. अब व्हाई एवरीवन शुड टेक द आरएमसी एंड सैनिक स्कूल एग्जाम्स, एक बार भाई हम सीरियसली हमारे मुझे गाइडलाइन थी नहीं, बट आपकी तो शायद अभी आज पोस्ट पर बैठी हुई होती, बट ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है. हम आज आपको पढ़ा रहे, आपको बता रहे, क्योंकि जो हमारे साथ हुआ वो जिंदगी में एक बार अपनी डेट ऑफ बर्थ करके देख लीजिए. एक बार क्योंकि सैनिक जैसे प्लेटफॉर्म, ये आपको बहुत अच्छा है, दैट सेट द एजुकेशनल स्टैंडर्ड. जो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी में कन्वर्ट करना होता है, प्रोवाइड चिल्ड्रन विद द बेसिक, आप खुद अपने आप को जो समझ नॉर्मली कभी नहीं होते, नॉर्मल यहाँ ये सब पहले से ही डेवलप हो जाती है. Along the way, your child will learn strategies of planning. आपको planning करना सिखाएंगे, monitoring कैसे होती है, evaluation कैसा होता है, ये जो practice जो हमारे अंदर एक kindness होती है, सब वहाँ पर remove हो जाता है. वहाँ पर हर चीज आपको करना जरूरी क्यों करनी है? ये जो practice होती है, जिसे हम metacognitive learning कहते हैं हमारी definition में, तो increases the level of knowledge about and giving the students the ability to modify new content and activities. जहाँ वो नई content activities के साथ में cope up करते हैं, और क्या देखते हो कि मेरा बिल्कुल ही zone अलग हो गया, comfort zone, या फिर किसी ऐसे zone में आते हैं जहाँ आपको हिसाब से adaptation देते हो, और adaptation भरने के बाद आपको खुद पता चलता है कि आपके अंदर positive हो रहा है या negative आ रहा है. और RIMC सैनिक नवोदय पॉजिटिविटी लेकर आते हैं, आपकी हर चीज करने की कोशिश करते हैं. स्टूडेंट्स हु अंडरस्टैंड डिफरेंट स्ट्रेटजीज ऑफ लर्निंग एंड थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आर मोर लाइकली टू यूज देम एंड मूव टुवर्ड्स मोर क्रिटिकल
ये उम्मीद है कि आप इन सब की अभी से जो इस वीडियो को देखेंगे तो जिंदगी में एक बार आ रहे हैं कैसे कर कौन देता है या देखिए कमर्शियल को सर्टिफिकेट होता है और पेपर टू एजुकेशन सर्टिफिकेट इट इज एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कैन बी यूज्ड टू प्रूव दैट अ पर्सन इज रेजिडेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी आप एक राजस्थानी हैं आप एक बंगाली उत्तर प्रदेश के यूपी वाले हैं ये सब आपके उसमें दिखाया जाता है सर्टिफिकेट इज इश्यूड बाय द रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट या यूटी को देती है एंड अलाउ इंडिविजुअल्स टू यूज ऑल द यूटिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट बिलोंग करता हूं क्योंकि वो क्या करने के लिए गए हैं फिल करने के लिए तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं रेशो सिंपल थी अगर हम बात करें तो पहले यही रेशो था बॉयज का 25 और गर्ल्स का 5 था लेकिन रिसेंटली अभी हमारे यहाँ पर बॉयज के रेशो को क्या कर दिया गया है 36 कर दिया गया है 35 का सिलेक्शन हुआ 36 जो सीरीज है बॉयज के लिए कर दिया है गर्ल्स के लिए यही है 5 नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और जोन में से लिए जाएंगे जो हमारे इंडिया को डिवाइड जो हमें जानने के जो अक्सर हमसे पूछे जाते हैं वो और